दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लीज कंपनी के जीसी पावर एक्सट्रीम एनर्जी के बारे पे। ये जो बनी है, जैसे कि समुद्री वनस्पति से उत्पादित एक जैविक तत्व है, जीसी पावर एक आधुनिक तकनीक द्वारा तैयार किया गया एक कुदरती विसरहित है, मतलब इसमें कोई भी प्रकार का जहर नहीं है। प्रदूषण मुक्त उत्पाद है, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व, हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स वह एंजाइम्स हैं। पौधे के संपूर्ण विकास के साथ साथ पैदावार भी भरपूर दिलाता है। आपको एक पौधे को स्वस्थ रहने के लिए मुख्यतः 14 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटासियम के घुलनशील लवण और जिंक, बोरॉन, मैग्नीस, मोलिबेडनम, लोहा आदि सूक्ष्म भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो कि उसे मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आप इसे जैसे इसके लाभ पौधे द्वारा पोषक तत्व ग्रहण में सुधार, जितने भी जमीन से जितने भी पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है वो पोषक तत्व ये पहुँचाएगी पौधे पर। जब पौधे पर पोषक तत्व पहुँचाएगी तो पौधा बेहतरीन होगा। जड़ों का विकास, ये सबसे ज़्यादा जड़ पे काम करती है। यदि जड़ मजबूत होगी तो थोड़ी बहुत आपदा या हवा तूफान आएगी तो ये पौधा गिरेगा नहीं। जैसे गेहूं की मैं बात करूं, गेहूं बहुत सारी फसल गिर जाती है, किसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसको आखिरी में जो रिजल्ट रहता है वो ज़ीरो मिलता है। जैसे आप इसे जड़ों का सबसे ज़्यादा जड़ पे काम करिए, आप इसे डालेंगे तो ये अंदर तक लेके जाएगा। जड़ को अंदर तक ले जाने के बाद ये आपके एक दाने में 12 से 15 बाली निकालेगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बढ़ावा, मिट्टी में सूक्ष्म जैविक गतिविधियों में बढ़ावा, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे को एक पोषक तत्व पहुंचाते हैं उस सूक्ष्म जीव में बढ़ोतरी करेगा। रोपाई के बाद पौधे के शीघ्र विकास में सहायक, ये जो प्रोडक्ट है वो 8 से 10 दिन में रिजल्ट बताना चालू कर देगा। बेहतर फुटाव व हरी भरी फसल, पुष्प गुच्छों का अधिक बनना, पौधों में बीमारियों की प्रतिरोधकता बढ़ाना। बहुत सारी फसल में रासायनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ होने के कारण इतने अनेकों तरह की बीमारियां जो पौधे में लग रही है, जिससे हमको पता भी नहीं है कि कौन कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी से किसान जानता भी नहीं है और जाता है मार्केट में, मार्केट से जो भी प्रोडक्ट सामने वाला बोलता है दुकान वाला, उस प्रोडक्ट को लेके आता है और उसे स्प्रे करता है और उसे उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इससे जो भी बीमारी ज़मीन से या ऊपर प्रकृति से यदि लगेगी तो ये एकदम से पौधे में नहीं लगेगी। बालियों की संख्या में बढ़ोतरी, दाना में बढ़ोतरी करेगा। अधिक उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, विपरीत परिस्थितियों में पौधे का बचाव। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जड़ पे काम करता है। कुछ थोड़ी बहुत हवा तूफान चला तो ये क्या होगा, एकदम से फसल में अटैक नहीं करेगा, थोड़ी बहुत हवा तूफान को ये झेल लेगा। फूलों को गिरने से बचाएगा, हवा तूफान में जो फूल गिरने लगते हैं उसके भी बचाएगा। जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे जो फूल फल रहते हैं वो हवा तूफान में गिरते हैं तो ये फूलों को भी मजबूत बना के रखेगा। इसे आपको यूज़ कैसे करना है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करना है, और बुरकाव करने के बाद इसे आप पानी की सिंचाई करें, हल्की सिंचाई, यदि ज़मीन में नमी ना हो। जैसे बहुत सारे किसान अभी गेहूं की खेती कर रहे हैं, कुछ लोगों की गेहूं लग चुकी है और कुछ लोगों की लगने वाली है। जैसे आपने ज़मीन को तैयार किया, आप अपने डीएपी को डालते हैं, आप एक एकड़ में एक बाल्टी यूज़ करने का है, और एक अच्छी बेहतर फसल लेने के लिए एक फसल में 2 से 3 बाल्टी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यूज़ कैसे करना आपको, जैसे आप 50 किलो एक एकड़ में आप डीएपी ले रहे हैं, 50 किलो ले रहे हैं, तो आपको उसमें से 10 किलो डीएपी को कम करना है और उसके साथ ये जीसी पावर 10 किलो इसे पूरा मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसे छिड़काव कर देना है। यदि आप ट्रैक्टर से आप यदि बोनी कर रहे हैं तो आप इसे सीडिलमेड आप डाल देंगे, आप इसे पूरा मिक्स करके आप डाल देंगे और आप इसकी आप बोनी करा देंगे तो ये सीधे जड़ पे चले जाएगी, और जड़ पे जाने के बाद ये 8 से 15 दिन में रिजल्ट बताना चालू कर देगी।
और रिजल्ट जब बताएगी तो एक अच्छा बेहतर एक आप जो पौष्टिक पौधा है वो आपका बनेगा। और उसके साथ इसे आप जैसी जैसी आप इसका छिड़काव करें उसके बाद इसे आप जमीन इसे आप मतलब इसे आप पानी का पानी की सिंचाई कर दें। जैसे आपको इसका यूज़ कैसे करना है, आप इसे सुबह दोपहर शाम कोई भी समय में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यूज़ करने के यदि आप इसे आप खोल लेते हैं तो खोलने के बाद इसे इसमें जो आपको 10 दिन के अंदर में यूज़ करने का होता है तो आप इसे सारी चीज़ें आप इसे बहुत सारी फसल में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट जी सी पावर जो प्रोडक्ट है वो एक संस्था से सर्टिफाइड है जो कि NOC एक संस्था होती है, नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एग्रो। इस संस्था से गवर्नमेंट संस्था से ये मतलब इसमें कोई रासायनिक तत्व नहीं मिला हुआ है, इस रिसर्च होके ये किसानों के पास आता है। इसके आपको फसल में कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपकी फसल की उर्वरकता भी बढ़ाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें आप हर फसल में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मक्का, मसूर, तुअर, उड़द, आलू, प्याज, भटा, टमाटर, मिर्ची, फल्ली, गोभी, लौकी, भिंडी, बटाना, अन्य सब्जी वाली फसल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप हमारे जो प्रोडक्ट है कृषम प्रोडक्ट आप एक फसल में आप नहीं करेंगे, मशरूम की जो खेती होती है उस मशरूम की फसल में आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो हमारा जीसी पावर जो एक्सट्रीम केयर जो प्रोडक्ट है इसे आप सारी फसल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सो दोस्तों, आपको एक जीसी पावर के बारे में कृषम प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आप ऐसी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट में आप बिल्कुल हमें बताएं कि क्या इसमें गलतियाँ हुई है, क्या सुधार करना है। आप यदि जो भी बोलेंगे हम आपको इससे बेहतर 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 आपको वीडियो लाने के लिए हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो सो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।